सीईटी सी भी क्लियर है, सीईटी डी भी क्लियर है, 80 मार्क्स है, सीईटी डी में 80 मार्क्स है, वो भी आ ही जानी है ज्वाइन, वो तो छोड़ ही देंगे ठीक है, तो थोड़ा ऊपर चलो ऐसे ही बता रहे हैं थोड़ी देर कैसे पढ़ना है। सर सर भी मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है सर, ये ना एक्सपीरियंस का है, नए नए बच्चे हैं, एक्सपीरियंस होते थे तो दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल ऐसे ही नहीं लगे होते, तो थोड़ी सी अपनी दिनचर्या बताएगा ठीक है ना, दिनचर्या ही होती है कि आप कैसे कैसे पढ़ते हो, कैसे कैसे पैटर्न को फॉलो करते हो, कैसे कैसे चलते हो, ताकि सिलेक्शन तक पहुंचा जा सके। खाली क्लास से तो मिलता नहीं देखो सिलेक्शन, यहाँ पे आके बैठ गए हमने पढ़ा दिया पेपर पास हो गए, ऐसा नहीं होता ठीक है ना, मांग बोलते भी पढ़ा दिया बस पेपर में जाना पास हो जाएगा, नहीं होता, घर जाके मेहनत भी चलती है, लाइब्रेरी में भी चलती है, रेगुलर भी होना पड़ता है, सो चीजें हैं, घर की भी पोजीशन होती हैं कई बार, और भी दिक्कतें आती हैं, सबसे लड़के फिर सिलेक्शन पे पहुंचते हो, सीधे नहीं पहुंचते कोई भी ठीक है ना, बता थोड़ा सोचो बाहर जाऊंगा, कई बच्चे होते हैं ना हेजिटेशन होते हैं टीचर के आगे नहीं बोला जाता। सबसे पहले तो सर मैं ये कहूंगा कि वैसे मुझसे ज्यादा बड़े भी एज में मेरे मतलब मेरी एज के भी हैं और मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है जो मुझसे पहले तैयारी करे और फ्रेशर भी हैं, तो सबसे पहले तो मतलब कोई ज्यादा वो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में जॉब लेना, वैसे कंपटीशन बहुत इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर हम मतलब दिल से ठान लें कि मतलब लेनी है तो कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है सर। और जैसे अगर बात करें कैसे मेरा रूटीन था, तो मैंने लगभग एक साल तैयारी की है, मैं पिछले साल नवंबर में लगा था, नवंबर 2022 में, तो अभी नवंबर 2023 में एक साल हो गया था मुझे, उसके बाद तो लगभग तैयारी छूटी हुई थी, तो मैंने कभी सेंटर आना नहीं छोड़ा और उस बीच में सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी वगैरह के लिए छोड़ा था। तो जैसे सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जैसे मतलब टीचर की हेल्प से या खुद कीजिए, कैसे करके सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया तो बस फिर हमारे सेल्फ स्टडी पर बात रह जाती है कि हमें खुद पढ़ना है, फिर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसका रिवीजन बार बार करें, अगर कोई कमी रहती है तो मॉक टेस्ट में वैसे मेरा बहुत हो रहा, मॉक टेस्ट ने बहुत हेल्प की, और मॉक के बिना आज के टाइम में लगता ही नहीं कि कोई मतलब एग्जाम क्लियर होना बहुत मुश्किल है, मॉक बहुत हेल्पफुल होते हैं, और वैसे लगे रहो कोई दिक्कत नहीं है, धन्यवाद। तैयारी होगी आपकी, मान लो मैथ ठीक हो गया, जीके ठीक होगी, अंग्रेजी रीजनिंग वगैरह ठीक होगी, तो ऐसा नहीं है कि एक पेपर क्लियर होगा, अब मान लो दिल्ली पुलिस क्लियर है तो सीटी वाला पेपर कोई अलग थोड़ी आना है, वो भी क्लियर होगा, और कोई देने जाओगे आर्मी एयरफोर्स डिफेंस वो भी क्लियर होगा, सिलेबस तो सबका सेम है, तो फिर छांट के नौकरी ले सकते हैं, मान लो कोई सीटी क्लियर कर सकता है तो दूसरा पेपर भी जाना ना पुलिस में क्लियर होगा, सिलेबस तो सबका सेम है, तो समझ रहे हो बात थोड़ी सी, तो आपने जनरल तैयारी करनी है। कई बार क्या होता है ना, एक बच्चा मान लो कि मैंने वही पेपर देना है, मान लो कई बार धुन चढ़ जाती है, मैं तो जी वही पेपर दे के आऊंगा उसी की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें मान लो करप्शन हो गया ठीक है, लेट सेट हो गया पेपर, सीट कम आई, और उसके पैरेलल दूसरा पेपर आ गया, उसमें जो आपने सोच रखा था उसमें 200 वैकेंसी आई, दूसरे में 5000 आ गई, बात समझ आ रही, पेपर सारे भरने हैं, सारे देने जाना है, लेवल बढ़ गया, सारे क्लियर हो सकते हैं, सिलेबस सबका सेम, वही मैथ वही, अब जैसे एवरेज कर वही एवरेज आएगी, अलग एवरेज थोड़ी आएगी, बड़े से बड़ा पेपर देने जाओगे ना यूपीएससी का भी प्री भी जैसे उसमें मैथ आता है वहां भी यही एवरेज आनी है, चपरासी का देने जाओगे वहां भी यही एवरेज आनी है, पेपर सारे भरो 10-15 हजार के घर वालों से अलग लेके रख लो भैया पेपरों के नाम के, जूते नहीं लेके आने उसके 100 रुपए घुस के जूते ले आए हैं, क्या जोड़ी आएगी है 15,000-10,000 के साइड देके रख दो, फारक भरते जाओ और पेपर देने जाते जाओ, बस पेपर की बात है, संडे को जाता है कभी चंडीगढ़ का आएगा कभी अम्बाला, जब पेपर भरते हो ना ऐसी पोजीशन आ जाएगी, हर हफ्ते कोई ना कोई पेपर, पहला पेपर तो किसी का नहीं पास होता है, इसने भी दिया होगा पहला पेपर थोड़ी पास हो गया, तेरा हो गया था आते के तो डर चढ़ा रहता है पहले पेपर में, कैसे पेपर आ गए, एक घंटे में करना है ठीक है, प्रेशर ही नहीं झेल पाता पहले पेपर में, तो बार बार देने जाते ना घर जैसा माहौल जाता है, अभी आएगी फिर लाइन आएगी, दो घंटे हिसाब आ जाता है सारा,
इतनी देर में गोले बोले जाएंगे, इतनी देर में ये पेपर वाला टाइम वेस्ट करेगा 10 मिनट, इतनी देर में मैंने मैथ कर देना, इतनी देर में ये कर देना, दो चार पेपर के बाद हिसाब आ जाता है, ठीक है ना। हर हफ्ते पेपर आने लग जाते हैं, फिर ये अब की बार ये आ गया, फिर ये है, ये है, ये है, मतलब कोई हमारा वीक सब्जेक्ट होता है, जैसे मेरा शुरुआत से ही मैथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और मैथ में मैंने सबसे पहले दिया था सीएचएस लगा, तो उसमें मेरी जीके इतनी ज्यादा मतलब वीक थी, उसमें मेरे 3 मार्क्स थे 50 में से, मतलब 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें, वो नेगेटिव मार्किंग वगैरह 3 थे, लेकिन मेरे मैथ में और रीजनिंग में था कि 50 में से 50, स्टार्टिंग से ही मैथ में मेरी इंप्रूवमेंट सही रहा, मैथ तो 50 में से 50 थे, और अभी तक भी मैं लास्ट तक मैथ की क्लास ही लगाता रहा था, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट बाद में भी होती है। इसको मैं रोकता हूँ क्लास में, इधर बैठते हैं भजन लाल के साथ में, मेरे को पता है बाकी बच्चों का लेवल थोड़ा डाउन है, इसका सबसे पहले अगर मैं रुक जाता हूँ आंसर ना बोल, बाकी सोचेंगे इसने कैसे कर दिया हमारा, कई बार नेगेटिव आएगी, इसको हमेशा रोकता हूँ मैं ऐसे, इतना आ गया ठीक है साइड में रख ले, क्वेश्चन साइड निकाल के रख ले, कभी हमारा अगर कोई वीक हो सब्जेक्ट तो इससे देख के डिमोटिवेट नहीं होना कि हमारा ये वीक है तो मैं तो होगा ही नहीं, मैं तो लगूंगी नहीं या लगूंगा नहीं, ये देखो कि जो स्ट्रॉन्ग है उस पर और ज्यादा पकड़ बनाओ, कि अगर वीक है तो उसमें कट गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है उसमें नहीं कटाना चाहिए कोई भी। मेरे जैसे मैंने कभी हरियाणा नहीं पढ़ा, एक बार मैंने 1-2 महीने के लिए पढ़ा था, लेकिन हरियाणा के मेरे ये मैथ रीजनिंग और जो सेंटर की जीके थी इसी बेस पे क्लियर हुए हैं, हरियाणा की मैंने कभी कोई प्रिपरेशन नहीं की, अभी जो ग्रुप डी का हुआ था उसमें मैंने बिल्कुल भी कोई हरियाणा का नहीं पढ़ा, बस मेरे जो स्ट्रॉन्ग थे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग थे टॉपिक उन्हीं बेस पे वो हुआ, मैंने वीक पर कभी फोकस किया ही नहीं, मतलब वीक का तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग में नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलो ठीक है भाई, एक बार तालियां बजा दे सभी।